नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश कौशिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी पर। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। चलते अपने रिपोर्टर के पास। तो अंकित जी, बताइए हमारे दर्शकों को आज के मौसम के बारे। तो आइए जानते हैं किस जिले में कितनी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले शुरू करेंगे हरियाणा के पंचकुला जिला से। पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, सिरसा और फतेहाबाद, इन जिलों में सुबह के समय आकाशीय बादल रहेंगे, जबकि पूरा दिन लगातार बादल आवाजाही लगी रहेगी। इन जिलों में सामान्य गति की हवाएं चलेंगी, इसलिए दिन के समय यहां पर गरज चमक के साथ हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। यहां का दिन के समय अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा, जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब बात करते हैं जींद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़ जिले की। इन जिलों में भी पूरा दिन बादल आवाजाही लगी रहेगी, यहां पर भी सामान्य गति की हवाएं चलेंगी और दिन के समय और शाम के वक्त यहां पर भी हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। यहां का दिन के समय अधिकतम तापमान 32 डिग्री रहेगा, जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात जिले की। इन जिलों में भी सुबह के समय आकाशीय बादल रहेंगे और पूरा दिन आकाशीय बादल देखने को मिलेंगे। यहां पर मंद गति की हवाएं चलेंगी और यहां पर हल्की या फिर सामान्य बारिश होने की संभावना है। दिन के समय यहां का अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा, जबकि रात के समय इन जिलों का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारी खबरों पर एक प्यारा सा लाइक जरूर दें। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में इन खबर पर आपकी क्या है राय वो हमें ज़रूर बताएं। आज की खबरों में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। जब तक सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए आपके अपने यूट्यूब चैनल पब्लिक रिएक्शन टीवी से, और साथ ही घंटे का बटन जरूर दबा लें ताकि हमारी हर एक नई वीडियो पहुंच सके आपके पास सबसे पहले।